something subtle. ईशाज, तुम्हें मैं अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सच बताने जा रहा हूँ, और ये जान के मुझे पता है तुमसे नाराज होगी, लेकिन ये सच है कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता और ना मैंने कभी तुमसे मोहब्बत की है। मैं शायद अपने आप को और तुम्हें धोखा दे रहा हूँ, हो सके तो मुझे माफ कर देना। अपहरण हो गया। दुआ लाना शुरू से, जो आखिर में जो बोला, हो सके तो मुझे माफ कर देना। और चलाओ, और चलाओ। हो सके तो मुझे माफ कर देना। अपहरण हो गया। हो सके तो मुझे माफ कर देना। अपहरण हो गया। हो सके तो मुझे माफ कर देना। अपहरण हो गया। क्या लगता है तुमको? सर किसी बकवास इंडियन फिल्म के डायलॉग लग रहे हैं। तो ये एक मरने वाले का आखिरी वॉइस मैसेज है। क्या हुआ कि? पता करो मकतूल की जानने वालों में से फरहान कौन है। जी सर। अगर जानने वालों में से कोई भी फरहान होगा तो वो मोहताद होगा, इसलिए तुम भी मोहताद रहना। ठीक है सर। सर आपने एक बात नोट करी, यहाँ पे हवा बहुत तेज चल रही है। लेकिन वो अकेला नहीं था। ठीक है तुम जाओ। ठीक है सर। शुरू से। शुरू से। ईशाज, तुम्हें मैं अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सच बताने जा रहा हूँ, और ये जान के मुझे पता है तुम मुझसे नाराज होगी। हेलो, वेलकम टू इन्फोलाइन, दिस इज फ्रांक फ्रेश, हाउ कैन आई हेल्प यू? काइंडली अपना यूजर नेम बताइएगा। जवाद अहमद। सीरियल नंबर 161932। सर आपकी कंप्लेन में रिकॉर्ड कर लिए 4:30 वेडनेसडे 12 जून। आपकी सहूलत और इन्फोलाइन की सर्विस को बेहतर बनाने के लिए कॉल रिकॉर्ड कर ली गई है। विद इन 2 आवर्स आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इन्फोलाइन कॉल सेंटर कॉल करने का बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ हेलो, मैं किधर हूँ? अबे तू बता तू किधर है? अच्छा अच्छा मैं आता हूँ। ओके बाय। टोपी हो गया यार। ओ नहीं यार जानी, ऐसी बात नहीं है। यार ऐसी बात नहीं है तो अब तक मेरे अकाउंट में पैसे क्यों नहीं ट्रांसफर हुए? तुम तो इसे बच्चों का खेल समझते हो, इतनी बड़ी रकम है, थोड़ा वक्त तो लगेगा यार। यार काम से पहले तो तूने टाइम की बात की नहीं और अब तुझे टाइम याद आ रहा है? पापा 10 सवाल करेंगे मुझसे, इतनी बड़ी रकम है, क्या जवाब दूंगा मैं? तूने मुझे यहाँ पे क्या ये सब कुछ बताने के लिए बुलाया? हाँ यार, तू फोन पर बोल देता, यहाँ बुलाकर खौर करने की क्या जरूरत थी? अच्छा भाई, अब तुम्हें हमसे मिलते हुए भी ख्वारी लगती है तो अलग बात है। यार वो बात नहीं है, तुझे पता है मुझे पैसों की कितनी ज़रूरत है अभी। कुछ वक्त की ख्वारी है मेरी जान, उसके बाद सब परफेक्ट है। ओके। वो लुक्स अक्षय कुमार। फजूल SMS जोक था यार ये। SMS जोक नहीं, हकीकत है। अच्छा किसके साथ हुआ है? मेरे जानने वाले हैं, उनके साथ हुआ। झूठ, तुम फजूल समझो। क्या सोच रही हो? कुछ भी नहीं। और क्या सोचा तुमने? कहा ना, कुछ भी नहीं सोचा। नहीं, मेरी और तुम्हारी शादी के बारे में। शादी? क्या मतलब है? तुम्हें अब भी मेरी मोहब्बत पे यकीन नहीं? अब नहीं, मुझे तुम पर यकीन है। तो फिर इंतजार किस बात का? मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। ठीक है, लेकिन इतना समझ लो, ये इंतजार मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से कर रहा हूँ। हेलो जी, मोबाइल बात कर रही हूँ। किस वक्त? जी अच्छा, चले ठीक है। क्या हुआ, किसका फोन था? पुलिस स्टेशन से कॉल थी, अभी बुलाया। मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। चलो।
आप मोमल हैं? जी। और इन साहब का तारुफ? दोस्त हैं ये मेरे। कब से जानती हैं फवाद को? तकरीबन 2 साल से। और पहली मुलाकात कहाँ पर हुई थी आप उनसे? हम लोग साथ पढ़ते थे। किस किस्म के ताल्लुकात थे आपके और फवाद के? मेरा मतलब है किस हद तक? मैं और फवाद बहुत अच्छे दोस्त थे। बहुत अच्छे दोस्त? कैसे होते हैं अच्छे दोस्त? कैसे होते हैं सर? आपसे पूछा है मैंने? जी नहीं। तो फिर आपका खामोश रहना बेहतर है। हाँ, तो आपने बताया नहीं मुझे, कैसे होते हैं अच्छे दोस्त? मेरी और फवाद की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, इसीलिए हम लोग अच्छे दोस्त थे। और बस सिर्फ दोस्त से रोज़ाना 1-1 घंटे तो बात नहीं होती है। एक्चुअली फवाद को भी मेरी तरह म्यूज़िक और आर्ट पे बहुत इंटरेस्ट था। जब भी हम लोग की कभी कभार डिस्कशन थोड़ी लंबी हो जाती थी। ओह आई सी। आपको पता है फवाद ने मरने से पहले एक वॉइस मैसेज किया था? वॉइस मैसेज? लेकिन किसको? अपनी मंगेतर को। हेलो, हाँ फरहान यार, मैं एक जगह बैठा हूँ, फोन करता हूँ तुम्हें, रुको। ठीक है, आप दोनों जा सकते हैं, जरूरत पड़ी तो आपको दोबारा बुलाऊंगा मैं। देख भाई, ये वो गिरफ्तारी है जो होगी भी और पता भी नहीं चलेगी, समझा? नहीं, अभी दिखा दूं तुझे अपनी सीनियरिटी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी फरमाइए। हजरत साहब, आपको हमारे साथ थाने चलना होगा। क्यों, खैरियत तो है? खैरियत ही है, बस कुछ मालूम इकट्ठी करनी है आपसे। जी फरम, बोले मैं बताता हूँ आपको। अरे हजरत साहब, ये सवालों के सारे जवाब मुझे पता होते तो मैं आज ऑफिसर ना होता। आप वहीं चलिए, बस अब आपको पता लग जाएगा। अच्छा, मैं गाड़ी की चाबी लेकर। इसकी क्या ज़रूरत है, हमारे पास है ना गाड़ी। मैं वापसी कैसे आऊँगा? सर साहब, हम जब आपको लेके जाएंगे तो वापस भी हम ही छोड़ेंगे। अच्छा, एक सेकंड, मैं घर वालों को तो इन्फॉर्म कर दूँ। अरे सर साहब, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बस आना जाना तो करना है। जब तक आप पूछेंगे बताएंगे, जब तक तो मुकर भी आ जाएंगे। आइए आइए, कोई मसला नहीं, बस अब जाना आना करना, कोई मसला नहीं, हमारी गाड़ी रेडी है। सर, ये लोग कह रहे थे आपको मुझसे कुछ मालूमात करनी थी। फरहान कहाँ मिलेगा? कौन फरहान? जी क्या तरीका है सर? फरहान कहाँ मिलेगा? आप मुझे
कौन सा कत्ल? किसका कत्ल सर? आप क्या कह रहे हैं? एक्टिंग अच्छी करता है, टीवी पे क्यों नहीं आता? वैसे वैसे बहुत सारे ड्रामे बन रहे हैं क्राइम के ऊपर। सर मेरा क्या कसूर है सर? सर मुझे क्यों लेकर आया सर यहाँ पर आप? अरे तू कहाँ फंस गया इसके चक्कर में? ये तो अमीर ज्यादा है, इसका बाप तो बचा लेगा इसको, मरेगा तो तू। सर ये तो बताते हैं कत्ल किसका हुआ है? तेरी दोस्त के दोस्त का। हाँ क्या करना है तूने? सर मैं करीब आती हूँ सर, मेरे चक्कर है बस क्या सर? देख देखिए ये बता कि चक्कर है क्या, और दूसरा तू उस चक्कर में आया कैसे? सर इसने मुझे थोड़े ज़्यादा पैसों की लालच, इसने बोला 15 लाख रुपये देगा सर, सर इतने पैसे भी नहीं दिए मुझे सर। ठीक है ये बता तू फंसा कैसे? लाइफ सैड है यार, बड़े बाप की औलाद है, पैर के नीचे गाड़ी है, जो चाय कर लेता है, एक हमें सदा के खौर। क्यों बे क्या हुआ? कुछ नहीं यार, सारा दिन कॉल सेंटर में कस्टमर की गल सुनो और घर आके भाई की। क्या हो गया तेरे भाई को? कुछ नहीं यार, बस एक बार अमेरिका निकल जाऊँ मैं। पैसे 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 नहीं है मेरे पास। कितने पैसे चाहिए तेरे को? तू देगा पैसे? हाँ मैं दूंगा। तू क्यों देगा? तूने अनाथ आश्रम खोला बे? पैसे तो मैं तुझे दे दूंगा, लेकिन तुझे मेरे लिए काम करना होगा। क्या काम करना होगा मुझे? सुन पीछे बैठ। क्यों बे? बताता हूँ ना, बैठ तो सही। हाँ फरहान पिस्टल लाए? हाँ मेरा, मगर जेब में तुझे चलाने नहीं दूंगा। तो क्या चाटने के लिए लाएगा? वो भाई जिसका ये पिस्टल है ना, वो हम दोनों को मार देगा, पता है तुझे? अरे यार बात नहीं है, चल देखते हैं क्या करते हैं। और वो बंदा कहाँ है इसको पिक करना हमें? बस उसी के पास ही जा रहे हैं यार। हाँ भाई ये जो कहानी सुना रहा है सब सच है? तेरी खामोशी बता रही है कि ये सब कुछ सच है? अच्छा ये बताओ थक तो नहीं गए तुम लोग? हाँ हाँ सर, सर बहुत थक गए सर, सर थोड़ी देर के लिए बिठा लेते। बिठाएंगे बिठाएंगे, अभी थोड़ा और एंजॉय कर लो। सर इस एंजॉयमेंट में जिंदगी की वार लगा दिए सर। शुक्र है किसी की समझ में तो आया। हाँ भाई तूने तो चुप छाकर रोजा रखा हुआ है, कुछ बोलता क्यों नहीं? क्या बताऊँ सर आपको, वजह कत्ल की वजह? कोई लड़की लड़की का चक्कर तो नहीं है?
लानत है साला, एक और कतल लड़की के चक्कर में। सर मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ। एक तो ये मोहब्बत बहुत सस्ती हो गई है। खैर कब से कर रहा है मोहब्बत? 2 साल से, हम सब साथ पढ़ते थे, मैं तो देखने जाता था बस उसको। बहुत खूबसूरत है वो। वो जब मुस्कुराती थी तो ऐसा लगता था जैसे वक्त रुक सा गया। मुझे नहीं पता था मैं क्या पढ़ने आया और क्या पढ़ रहा हूँ, मुझे तो बस मोमली नजर आती थी। इसकी एक झलक देखने के लिए मैं बेताब सा रहता था। इतनी मोहब्बत करने के बावजूद मेरी कभी हिम्मत ही नहीं हुई, मैं इसे क्या बता सकता। फिर एक दिन मुझे किसी ने बताया कि वो किसी और से मोहब्बत करती है। तो ये तो एक वन साइडेड लव स्टोरी हुई। मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता था। लग रहा था क्या? मतलब इस कहानी में एक और ट्विस्ट आना बाकी है क्या? ट्विस्ट? एक ट्विस्ट ही तो आया था जिसने हम सबकी जिंदगियों का रुख मोड़ दिया। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। फिर क्या हुआ उसके बाद? मुझे उसके अलावा कुछ दिखाई नहीं देता था। मेरी आंखें बस हर वक्त उसका ख्वाब देखती थी। अबे ओ मजनू की औलाद, ये फिल्मी डायलॉग बंद कर और सीधा मुद्दे की बात पर आ। सब कुछ सही चल रहा था, बस एक दिन अचानक से वो से तुमसे बात करना चाह रहा था, हिम्मत ही नहीं हो रही। और वो लड़का क्या समझता है अपने आप को? वो ऐसे भी तुम्हारे काबिल नहीं है। वो लड़का जैसा भी है मैं उससे मोहब्बत करती हूँ, और प्लीज आप यहाँ से चले जाए इस वक्त। जाऊँ मैं? आपने मुझे फोन किया? मुझे यकीन नहीं आ रहा, आप ही है ना? जी मैं ही हूँ मोमल,
वो सॉरी मैंने उस दिन आपसे बहुत रूड बिहेव किया था। नो मोहन, कोई प्रॉब्लम नहीं जी। बोले आपने कैसे फोन किया मुझे? एक्चुअली मुझे आपको थैंक्स बोलना था। वो किस लिए? आपने मेरी फीलिंग्स को समझा और मेरा एटीट्यूड को भी बर्दाश्त किया, इसीलिए। अरे ये क्या बोल रही हैं आप? और जहाँ तक फीलिंग्स की बात है, काश मैं आपको अपनी फीलिंग्स भी समझा सकता। कितनी मोहब्बत करते हो मुझसे? तुम्हारी सोच से भी ज्यादा। फिर भी कितनी? इतनी मोहब्बत कि जो तुम बोलो तुम्हारे लिए करने के लिए तैयार हो। कुछ भी कर सकते हो? कुछ भी चाहो तो आजमा के देख लो। देख लो, कहीं ऐसा ना हो सारी मोहब्बत हवा हो जाए। अज़हर अपनी जबान का बहुत पक्का है, जो बोलता है ना वो करके दिखाता है। तुम बताओ तुम्हारे लिए क्या करना है? क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, यही सोच रही हूँ कि कहीं तुम भी और लड़कों की तरह ना निकलो। क्या मतलब है तुम्हारा? धोखेबाज। अज़हर मर सकता है मगर तुम्हें धोखा नहीं दे सकता। मरने वाले मुझ पे बहुत हैं, मार सकते हो मेरे लिए किसी को। तो तुम हो इस क्राइम की मास्टरमाइंड। मासूम चेहरे वाले लोग इस कदर सफाक हो सकते हैं, मैंने सोचा भी नहीं था। मुझे जो चीज अच्छी लगती है वो मैं हासिल करके रहती हूँ। ओ, अमीर माँ बाप की बिगड़ी हुई औलाद हो तुम। हाँ व्हाटएवर। देखो बीबी, ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है, ये थाना है, समझी? यहाँ पर लोग हमारी मर्जी से आते हैं और हमारी मर्जी से ही जाते हैं, समझी? जानना क्या चाहते हैं आप मुझसे? वही जो सच है। ओह, तो जो मैं बोलूँगी उसे आप सच मान लेंगे? डिपेंड करता है, तुम बोलना तो शुरू करो। हाँ, तुमने कहा था ना कि फवाद और तुम बहुत अच्छे दोस्त हैं, ऐसे होते हैं दोस्त? झूठ कहा था मैंने आपसे। तो सच क्या है? सच ये है कि मैं फवाद से मोहब्बत करती थी। किस तरह की मोहब्बत है ये जिसमें इंसान अपने महबूब की जान ले ले? मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है। मुझे लगता है हम एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट मैच है। क्यों भाई, इतना बियर्ड सा ख्याल अचानक से तुम्हें कहाँ से आ गया? देखो भाई, हर एक चीज का कॉम्बिनेशन होता है और वो उसी कॉम्बिनेशन के साथ अच्छा भी लगता है। फॉर एग्जाम्पल करीना और सैफ एकदम परफेक्ट मैच है। एक्सक्यूज मी, परफेक्ट मैच? तुम्हें पता है सैफ कम से कम 20 साल बड़ा है करीना से। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। Everything is fair in love and war. तुम पहले डिसाइड कर लो कि तुम परफेक्ट लव की बात कर रही हो या परफेक्ट मैच की। एक ही बात है, क्या फर्क पड़ता है? और सलमान और कतरीना भी तो हैं। तुम्हारे पास फिल्म स्टार्स के अलावा कोई और एग्जांपल नहीं है? है ना, मेरी और तुम्हारी। सो फिल्मी यार। फिल्मी हूँ तो हूँ, तुम्हें क्या? हाँ भाई, तुम ठीक कह रही हो, मुझे क्या? फवाद, मोमल, पागल। तुम पागल? आज तुम ब्लैक टी शर्ट में बहुत अच्छे लग रहे थे। रियली? ब्लैक कलर तुम्हारा भी फेवरेट है और मेरा भी। हाँ, अक्सर लोगों को ब्लैक कलर पसंद होता है। हाँ, लेकिन मेरी और तुम्हारी पसंद तो हर चीज़ में एक जैसी है ना। कह सकती हो? कह नहीं सकते, ऐसा है। तुम मुझे कुछ ज़्यादा या सीरियस लग रही हो। तुम्हें देखकर मैं हमेशा से ही बहुत सीरियस हूँ। लेकिन मैं नहीं हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि अच्छा, हम कल मिल तो रहे ना, मैं कल तुम्हें तफसील से समझा दूँगा। लेकिन मुझे ये अच्छा नहीं लगा। कल मिलोगी तो मैं तुम्हें समझा दूँगा। अच्छा, मैं अब रखता हूँ। ओके बाय। देखो मोमल, आज जो बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, वादा करो मुझसे वो सुनने के बाद तुम हर्ट नहीं होगी और मुझसे नाराज़ नहीं होगी। अच्छा ना, अब बताओ भी, तो सस्पेंस फैलाने की ज़रूरत नहीं है। देखो मोमल, बात ये है कि जब हम छोटे थे, मेरा मतलब मैं और मेरी कजन्स वगैरह, तो हमारे बड़ों ने मेरी मंगनी ईशा के साथ कर दी।
और जब हम बड़े हुए तो हमने सोचा कि हमारे बड़ों ने सही फैसला किया है और अब वो चाहते हैं कि हमारा निकाह हो जाए। तुम मजाक कर रहे हो ना? नहीं मोमल, मैं मजाक नहीं कर रहा। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? क्या मतलब? मैं तो समझती थी कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो और हम लोग का एक परफेक्ट मैच है। देखो, कुछ दिनों से मैं भी ये महसूस कर रहा था कि तुम कुछ गलत सोच रही हो, इसलिए मैंने तुमको ये बताना ज़रूरी समझा। देखो, इतनी अच्छी दोस्ती मेरी ईशा से भी नहीं है। तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो, तुम मुझसे मोहब्बत करती हो तो उसका क्या मतलब? हमारी शादी हो जाए, हम अलग भी तो रह सकते हैं, अलग रह के भी तुम मुझसे मोहब्बत कर सकते हो। मैं तुम्हारी हमेशा रिस्पेक्ट करता रहूँगा और इसी रिस्पेक्ट के साथ जब भी तुम्हें मिलना होगी। हाँ हाँ बोलो यार। एक मिनट रुको तो सही। अच्छा रुक गया, बोलो क्या हुआ? क्या तुम ईशा को छोड़ नहीं सकते? नहीं। क्या वो मुझसे ज्यादा खूबसूरत है? देखो यार मोमल, बात खूबसूरती की नहीं है। फवाद, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। बच्चों जैसी बातें मत करो, मैंने तुमसे कब वादा किया शादी का यार? मुझे तुमसे मोहब्बत भी नहीं है यार। मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी फवाद। फिर वही तुम्हारी फिल्मी बातें यार। तुम्हें ये बातें फिल्मी लगती हैं? मेरी फीलिंग्स का तुम्हें कोई एहसास नहीं है? यार मोमल, मुझे एहसास है, तभी तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यार। अब रो क्यों रही हो मोमल यार? तुम रोती रहो, जा रहा हूं मैं। यार मैं कई दिनों से तुमसे बात करना चाह रहा था, हिम्मत ही नहीं हो रही। और वो लड़का क्या समझता अपने आपको? वो ऐसे भी तुम्हारे काबिल नहीं है। वो लड़का जैसा भी है, मैं उससे मोहब्बत करती हूँ। और प्लीज आप यहाँ से चले जाए इस वक्त। जाऊँ मैं? बोल रहा हूँ, आप बोले। मैं मोमल बात कर रही हूँ। मोमल? मोमल आपने मुझे फोन किया? मुझे यकीन नहीं आ रहा, आप ही है ना? मरने वाले मुझ पे बहुत हैं, मार सकते हो मेरे लिए किसी को। तुम सीरियस हो? बहुत ज्यादा। मारना किसको? फवाद को। फवाद को? तुम तो उससे बहुत मोहब्बत करती हो। करती थी, और जितनी मोहब्बत करती थी अब उससे ज्यादा नफरत करती हूँ। हो सकता है तुम अभी बहुत जज्बाती हो। मैं जज्बाती नहीं हूँ। तुम मुझे बस इतना बताओ, कर सकते हो कि नहीं कर सकते? मुझे थोड़ा टाइम दो सोचने। मुझे पता था तुम मना कर दोगे। फैसला मैं कर चुका हूँ, टाइम मुझे सिर्फ तरीका सोचने के लिए चाहिए। हेलो फवाद। हाँ मोमल, ये किस नंबर से कॉल कर रही हो?
यार एक्चुअली वो मेरी सिम में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। कहाँ हो तुम? एज यूजुअल वहीं पर। अच्छा चलो मैं आती हूँ, ठीक है? अच्छा सुनो, ये हमारी आखिरी मुलाकात है, उसके बाद ना ही तुम मुझे मिलने के लिए फोर्स करोगी और ना ही मुझे तंग करोगी। हाँ प्रॉमिस, आज के बाद मैं तुम्हें पूरी कोशिश करूंगी भूलने की। अच्छा जल्दी आ जाओ, मैं वहीं पे वेट कर रहा हूँ यार। ओके ओके तुम जाओ, वो वहीं होगा। ठीक है। लेकिन तुम उसे मारोगे कैसे? वो सब तुम मुझको छोड़ दो। ओके ओके पीछे बैठ। क्यों बे? बताता हूँ ना, बैठ तो सही। हाँ फरहान, पिस्टल लाए? हाँ ये ला, मगर जेब में तुझे चलाने नहीं दूंगा। तो क्या चाटने के लिए लाएगा? वो भाई जिसका ये पिस्टल है ना, वो हम दोनों को मार देगा, पता है तुझे? रहेगा। अरे यार बात नहीं है, चल देखते हैं ना क्या करते हैं। और वो बंदा कहाँ, इसको पिक करना है हमें? बस उसी के पास ही जा रहे हैं यार। ये तो मोमल की गाड़ी है ना? अरे वाह, एकदम ठीक पहचाना तुमने तो। आप कौन? मोमल कहाँ है? इजी इजी जाने मन, मोमल ने भेजा आपको लेने के लिए। लेकिन वो खुद क्यों नहीं आई? अरे भाई आपको बोला ना, उसी के पास लेके जा रहे हैं आपको, आप परेशान क्यों हो रहे हो? लेकिन अबे चुप। अबे ओ खामोशी से बैठ और आगे देख, चल निकल गाड़ी निकाल दू। Shit! अब चार्ट ले इसको। चलो।
वॉइस मैसेज का आइडिया अज़र का था। उसका ख्याल था कि इस तरह कत्ल खुदकुशी लगेगा। और इसी वॉइस मैसेज ने तुम लोगों को पकड़वा दिया। मुझे पकड़े जाने का अफसोस नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि तुमने अभी तक असली जेल देखी नहीं है। जिस दिन देख लोगी ना तो उस ठिकाने आ जाएंगे। जो मेरा नहीं हो सकता वो किसी का भी नहीं हो सकता। अफसोस होता है तुम जैसे लोगों पर। तुम लोग क्रिमिनल नहीं, ज़हनी मरीज हो। आपको क्या पता है मोहब्बत के बारे में? ओ तो अब मुझे तुम जैसे बेवकूफ़ों से मोहब्बत सीखनी पड़ेगी। तुमको पता है तुम्हारी इस अहमकाना जिद की वजह से चार जिंदगियां बर्बाद हो गई। सोच है आपकी, मेरे फादर कितने पावरफुल आदमी हैं। बहुत जल्द आज़ाद होंगी मैं यहाँ से। देखता हूँ तेरा बाप ज़्यादा ताकतवर आदमी है या हमारी अदालत। गुज़िश्ता दिनों जमाल नामी शख्स की खुदकुशी की इत्तला पुलिस को मिली। लवाहिकीन के मुताबिक एक वॉइस मैसेज जो कि मकतूल के मंगेतर को मौसूल हुआ था, जिससे पता चला कि ये खुदकुशी है। मामला मशकूक होने की वजह से पुलिस ने तफ्तीश शुरू की और वॉइस मैसेज ही की मदद से मुलजिमान तक पहुंचने में कामयाब हुई। इस कत्ल की मास्टरमाइंड मकतूल की सबका दोस्त थी, जिसने मोहब्बत में नाकामी पर अपने ही एक और दोस्त मदर की मदद से जमाल की कत्ल का मंसूबा बनाया। इस वारदात में मदर की मामनत इसके दो दिशान ने की। पुलिस ने तीनों मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। कल चालान के साथ अदालत में पेश किया जाएगा।